Hey guys, welcome back to my channel Shuroshri's Creation. I am Shuroshri and आज है Happy Independence Day 15th of August. So आप सभी को Happy Independence Day. So good morning. और आज आप लोग टाइटल देखकर तो समझ ही सकते हो कि आज मैं खाने वाली हूँ 24 आवर्स सिर्फ ट्राई कलर फूड. यस गाइस, 24 आवर्स सिर्फ तिरंगाकार कलर की फूड खाऊंगी. क्या मैं ये पास हो जाऊंगी या फेल हो जाऊंगी? देखते हैं क्या मैं ये चैलेंज कंप्लीट कर पाऊंगी. सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद माय ब्रेकफास्ट. यहाँ पर रखा है थ्री कलर्स के गुल्ली, तो यहाँ पर पापा बनाएंगे थ्री तिरंगा पराठा. देखो यहाँ पर अभी व्हाइट पराठा के लिए सिर्फ मैदा का यूज कर रहा है, सिर्फ और कुछ नहीं डाला है. अभी ऑरेंज के लिए यहाँ पर सेजवान चटनी यूज किया है ऑरेंज कलर करने के लिए. अभी ग्रीन के लिए मैंने यूज किया है धनिया पेस्ट. अभी यहाँ पर पापा पराठा को फ्राई कर रहा है. अभी ऑरेंज पराठा को फ्राई कर रहा है और अभी यहाँ पर जो धनिया पेस्ट से ग्रीन कलर का पराठा था वो फ्राई कर रहा है. आप लोगों के लिए देखो ये सब मैं क्या खाना खा रही हूँ. सूखा सूखा कुछ नहीं है, प्लीज एक लाइक कर दो यार. ये सब कर रही हूँ मेहनत इतना ज्यादा. कमेंट करके बताओ कि और क्या वीडियो देखना चाहोगे आप, ऐसा चैलेंजेस. ठीक है, ये फिनिश करके मैं आप लोगों से लंच में मिलती हूँ. और लंच में क्या करती हूँ देखो क्या करती हूँ, एंड तक देखना वीडियो. बाय. तेल गरम हो चुका है, अभी यहाँ पर मम्मी दे रही है जीरा, क्योंकि अभी बनाएगी मम्मी जीरा राइस. अभी यहाँ पर जीरा राइस बन रहा है मेरे लंच के लिए और ये व्हाइट फूड. अभी यहाँ पर ग्रीन कलर के लिए मम्मी धनिया पेस्ट करके राइस बना रही है. अभी यहाँ पर ऑरेंज राइस के लिए मम्मी सेजवान चटनी दे दिया है, तो ये है ऑरेंज राइस. सो गाइस, अभी दोपहर के 1:30 बज गया और अभी मैं करूंगी मेरी लंच. आप लोगों ने देख लिया कि मम्मी ने मेरे कितना सुंदर तरीके से मेरे लिए लंच बनाया है. कितना सुंदर है गाइस, देखो कितना क्यूट है. मतलब इसको देखकर ना खाने का मन एकदम नहीं कर रहा है, बस देखते ही जाओ इसे ऐसा लग रहा है. कितना सुंदर है, कितना प्यारा है. थैंक यू मम्मी. अभी मैं ये खाऊंगी, टेस्ट करके बताऊंगी कि खाने में भी क्या अच्छा है. अभी मैं खाऊंगी ये ग्रीन कलर का फूड जो राइस मैंने मम्मी ने बनाया है, तो टेस्ट करके देखते हैं. ये धनिया पेस्ट से बनाया है. सुपर्ब, इट्स माइंड ब्लोइंग. मतलब मेरी मम्मी इतना अच्छा टेस्टी खाना बनाती है ना, क्या बोलूं. और ये जो खाना है सुपर. आप लोग भी ट्राई करना घर में ऐसे बनाकर, बहुत टेस्टी है. ये है जीरा राइस. और ये अभी मैं ट्राई करूंगी सेजवान राइस. जिसको सेजवान पसंद है उसे ये राइस भी बहुत पसंद आएगा.
nom 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 अभी मेरा ये खाना मतलब लंच ख़त्म हो चुका है गाइस। अभी आप लोगों से मिलती हूँ मैं स्नैक्स के टाइम, लेकिन स्नैक्स तो मैं इवनिंग में करूँगी, तो बहुत टाइम है। सो मैंने इंडिपेंडेंस डे के लिए कुछ तैयारी की है, वो वीडियो मैं अभी देख लो जाकर। अभी मैं ये वीडियो दे देती हूँ। ये स्पेशली मेरे उन लोगों के लिए है जो इस टाइम कोरोना के टाइम हमारे फ्रंट लाइनर्स जो है हमारे साथ हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एंड सैल्यूट टू देम। सो ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए। ओ रांझणा वे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के तेरा मेरा साथ यहीं तक था। ये तेरी जमीन तेरे खून से ही तो सजती सवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तो अभी इवनिंग हो चुका है और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ बताना। ये जो मैंने एक मिनट का वीडियो दिया था बीच में, प्लीज़ बताना कमेंट करके। एंड अभी मैं आ चुकी हूँ मेरे स्नैक्स के साथ, और स्नैक्स में क्या है देख लो ज़रा। सो अभी मैं खा रही हूँ ये स्वीट्स, ये ग्रीन कलर कितना प्यारा है ना, ये है ग्रीन कलर का बर्फी, और वाइट में है ये स्वीट संदेश आई थिंक, एंड ऑरेंज में है ये लड्डू मेरा फेवरेट। कैसा है मेरा स्नैक कमेंट करके बताओ, बहुत प्यारा है ना। मुझे लड्डू काफी पसंद है। ये स्वीट भी बहुत टेस्टी है, स्वीट इज सो गुड। ये ग्रीन कलर का बर्फी मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, वाव सो गुड। यहाँ पर काजू है और बर्फी तो ऐसे ही बहुत अच्छा होता है, सो गुड। तो अभी ये मैं फिनिश करती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ डिनर पर। तो अभी मैं कर रही हूँ डिनर, तो डिनर में देखो क्या बन रहा है। देखो देखो यहाँ पर मैंने वाइट मैगी है, अब मैं दे रही हूँ थोड़ा सा सेजवान चटनी। अभी ये पूरा ऑरेंज हो जाएगा। अभी मैं कर रही हूँ ये धनिया पेस्ट से ये मैगी, पता नहीं कैसा बन रहा है, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं ये सब कर रही हूँ, प्लीज़ एक लाइक कर देना। वाओ ये ग्रीन बन गया, ये
सो गाइस, अभी मैं आ चुकी हूँ मेरा डिनर लेके, और देखा आज कितना ज़्यादा मैंने मेहनत किया ये सब करने में, ऑरेंज वाइट एंड ग्रीन। एंड एक बात बताऊँ आपको, ये 24 आवर्स चैलेंज, ट्राई कलर चैलेंज मैंने पास कर लिया, ये मैं नहीं फेल हुई। सो प्लीज़ एक लाइक कर दो और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। आप लोग क्यों सब्सक्राइब नहीं करते हो मुझे यार, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताओ अगले वीडियो कैसा देखना चाहती हूँ। मैं कोशिश करूँगी वैसे वीडियो लाने का। तो अभी चलो डिनर कर लेते हैं। तो आपने अभी तक मेरे पेटुक राजा हेशम का जो वीडियो आया था, सेकेंड ब्लॉग है वो मेरा, अभी तक देखा है? तो जाओ गाइस देखो, वहाँ पर कुछ सरप्राइज़ है। वीडियो के एंड में मैंने बताया है, प्लीज़ वीडियो देखना तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर क्या सरप्राइज़ है। तो अभी मैं करने वाली हूँ मेरी डिनर, और मैं फर्स्ट करूँगी ये सेजवान मैगी। ये तो टेस्टी होगा ही, क्योंकि ये मैंने जो बनाया है। ये वाइट वाला, इसमें नमक भी नहीं डाला मैंने। नॉट गुड, बैड। अब ये वाला, तो अभी मैं मेरे डिनर फिनिश करके आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। तब तक बाय बाय, एंड वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।